भाई काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, इधर कोई वीडियो अलाउड नहीं है। गडरा सिटी है जो कि पाकिस्तान है, जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, मतलब पहला स्टेशन ऐसा आया है। तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज की जो ट्रेन यात्रा होने वाली है वो एक काफ़ी मतलब कि सरहद के बहुत ही करीब से रेल यात्रा हो रही है, और हम यात्रा कर रहे हैं बाड़मेर से मुनाबाव के लिए। जैसा कि आपने समझ लिया होगा पिछली जर्नी में कि हम बाड़मेर किस लिए आए थे। स्टेशन के बाहर हम पी रहे चाय और यहाँ से हमारी ट्रेन की यात्रा शुरू होगी जस्ट 20 मिनट के बाद, क्योंकि अभी 7:10 हो चुके हैं और ट्रेन जो है 7:30 बजे आज चलती है। 9:40 में आपको मुनाबाव पहुंचा देगी, जहां से बॉर्डर की दूरी है करीबन 2.5 किलोमीटर। यहां पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा पैक करा रहे हैं जो भी सुबह का लेना है हमने, और चाय के साथ यात्रा की शुरुआत करते हैं। और टिकट हमने UTS मार ली क्योंकि अंदर रश काफ़ी था। बाकी चलो चलते हैं अंदर, मिलते हैं, जाएंगे इसी ट्रेन से जाएंगे और इसी ट्रेन से हमारी वापसी है। और टोटल दूरी की बात करूँ 118 किलोमीटर का डिस्टेंस है बाड़मेर से मुनाबाव तक का। तो दोस्तों जो आज की यात्रा हो रही है वो मुनाबाव तक हो रही है, जो कि भारत का लास्ट स्टेशन है। उसके बाद आगे से पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। जो इंडिया का जो रेगिस्तान है उसको रेगिस्तान कहते हैं, जो पाकिस्तान में जो डेजर्ट है उसको कहते हैं चोलिस्तान, मतलब कि थार डेजर्ट के बीच से हमारी यात्रा होने वाली है, तो काफ़ी अच्छी होने वाली। बाकी बाड़मेर का रेलवे स्टेशन है पीछे, और भाई टाइम देख सकते हो 7:20 हो गए और 7:30 पर ट्रेन हमारी यहाँ से रवाना हो जाएगी टुवार्ड्स मुनाबाव। तो 3 नंबर पर ट्रेन खड़ी है, चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। जिस स्टेशन पे हम जा रहे हैं वो भारत का लास्ट स्टॉप है, उसके आगे कोई स्टेशन नहीं इंडिया का। उसके बाद दूसरी कंट्री स्टार्ट हो जाती है भाई, जो कि है पाकिस्तान। मात्र 2.5 किलोमीटर है वहाँ से डिस्टेंस। बाकी जो इंडिया में जो थार डेजर्ट है उसको कहते हैं रेगिस्तान, जो पाकिस्तान में जो पड़ता है ना भाई जो थार डेजर्ट उसको कहते हैं चोलिस्तान। सो दोस्तों वो खड़ी है हमारी ट्रेन बाड़मेर मुनाबाव पैसेंजर। भाई ये लगा है अपना ट्रेन के साथ WDM-3A का लोकोमोटिव, और ये है बाड़मेर का रेलवे स्टेशन। बाकी चलो अभी यहाँ से अपनी जर्नी शुरुआत होगी टुवार्ड मुनाबाव, जो कि इंडिया का एंड स्टेशन है इसी ट्रेन के साथ। बाकी चले चलते अभी ट्रेन के अंदर, फिर मिलते हैं। भाई अपनी ट्रेन डिपार्चर के लिए रेडी है टुवार्ड्स मुनाबाव फ्रॉम बाड़मेर। भाई फाइनली ट्रेन अपनी डिपार्ट हो गई है ऑन शार्प ऑन टाइम। मेरी घड़ी एक्चुअली 5 मिनट्स मैंने फास्ट की हुई है, ताकि मेरी ट्रेनें छूट जाती है ना इस करके। तो भाई काफ़ी दिनों से मेरा ड्रीम था कि ये रूट मैं कवर करूं, तो फाइनली आज मैं इस रूट को कवर करने आया हूं भाई, काफ़ी सालों के बाद। भाई एल्को की चगिंग सुनो भाई, इस रोड पे एल्को EMDs बहुत मिलेंगे। भाई गांव वाला जो माहौल होता है ना पूरा यहाँ पे देखने को मिलता है भाई। भाई कौन कौन ना बाड़मेर से वीडियो देख रहे हैं ना, फटाफट कमेंट करके मुझे बताना इस वीडियो के एंड में, और कौन कहाँ से। इस रूट में मैं जितने भी स्टेशन कवर करने वाला हूँ ना, जो जहाँ से, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना भाई आपके शहर का या आपके विलेज का क्या खास क्या है, इस रूट में क्या खास है मुझे एक्चुअली पता नहीं है। तो बाकी बस मैं इसी ट्रेन से जाऊँगा और इसी ट्रेन से आज मेरी वापसी भी है, और आज की राइड मैं बाड़मेर में स्टे कर रहा हूँ, कल यहाँ से निकलेंगे न्यू डेस्टिनेशन कोई देखूँगा कहाँ की टिकट मिलती है। भाई पोहा लिया था बट चम्मच एक ही दी है यार, ऐसे ही अलग सी है यार, एवरेज है यार, मुझे नहीं पसंद आया। आपके बिल भी बढ़े हैं। बाकी चलो फौज में काफ़ी हमने BSF के जवान हैं उनसे बातें चल रही थी, और अंकल वगैरह हमारे बता रहे थे कि पहले यहाँ पे 1973 से पहले सारे रेत होते थे, हरियाली नहीं होती थी इस रूट पे इतनी,
अब जाकर थोड़ी बहुत हरियाली हो गई है। भाई एक स्टेशन आया पहला जैसे ही, मतलब पहला स्टेशन ऐसा आया, सुनने में आया कि मतलब ये थोड़ा सा स्टेशन इस रूट का अच्छा स्टेशन है, मतलब ज़्यादा ट्रैक पे यहाँ पे, अदरवाइज अगले जो स्टेशन आने वाले उस पर ट्रैक्स उतरे नहीं है। बाकी चलो यहाँ से चलते हैं, काफ़ी लोग चढ़ने वाले हैं यहाँ से। और भाई सामने देखो रेत के पहाड़ है सारे, चट्टान है ना पत्थर। बाकी चलो एक मिनट के होल्ड के बाद यहाँ से डिपार्चर हो गया, और काफ़ी हरियाली है यार, बहुत अच्छा माहौल है भाई। एक मिले हैं लोकल यहाँ से, कहाँ यहीं से हो, बाहर से हो, कहाँ जा रहे हो, काम से भाई? पहले इसी रोड से थार एक्सप्रेस जाती थी अपनी कराची के लिए, भगत की कोठी से, जो कि अब बंद हो गई है। लैंडस्केप देखो भाई राजस्थान का, बहुत ग्रैंड लग रहा है, इतना व्यू मस्त आ रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ भाई। अभी ना बाहर थोड़ा सा ना डेजर्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे भी थोड़ा और वैसे अंदर आ गया। और मैंने काफ़ी लोगों की वीडियो में देखा है कि डेजर्ट ना आँखों में पड़ता तो बाकी आँख में लग रहा है, बट चलो थोड़ा थोड़ा कंटेंट शूट करेंगे, बाकी स्टेशन आने वाला नेक्स्ट करते हैं। और जो भी मैं स्टेशन कवर कर रहा हूँ भाई जैसा ही वहाँ से कोई था तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि वहाँ के स्पेशल क्या है, क्या वहाँ की फेवरेट चीज़ मशहूर क्या है, तो अपने शहर की खासियत बताना जरूर मत भूलना, कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट स्टॉप जो भी आता है वहाँ से भाई, यहाँ पे ना थोड़े कुएँ बनाए हुए हैं, अंदर आर्मी वाले सर बता रहे थे कि जो ये जो कुएँ वगैरह यहाँ पे बनाए गए हैं ना, जैसे ये कुएँ हैं, इसमें पानी स्टोर करके रखते हैं, जरूरत पड़ने में ये पानी पूरे गांव को काम करता है। अभी हम निकले हैं ये बचभार स्टेशन से, जो कि 42 किलोमीटर की दूरी पे बाड़मेर स्थित, यहाँ से निकले, अगला स्टॉप रामसर आने वाला है। तो दोस्तों काफ़ी बाहर डस्ट हो चुका है, तो और जो रेत उड़ रही है ना विंडो को पूरी मतलब कि धुंधला कर दिया, तो अंदर से कुछ व्यू आएगा नहीं, और खिड़कियाँ बंद करके ट्रैवल करना जब भी इस रूट पर ट्रैवल करोगे, और प्रेफर करना कि पहले कोच या दूसरे कोच में बैठो, लास्ट कोच में कभी मत बैठना भाई, रेत बहुत ज़्यादा जाती है अंदर। बाकी सफ़र चल रहा है अपना, 42 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी हमने कवर कर लिया है, 118 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है बाड़मेर टू मुनाबाव तक का। बाकी ट्रेन भी अच्छे खासे रफ्तार में चल रही है, इस रूट पर ट्रेन अप्रॉक्स 100 किलोमीटर की रफ्तार पर चलती है, और काफ़ी अच्छी मतलब की बाइक सारी, बाहर धूप भी अच्छी है, अंदर थोड़ी ठंड भी है, रेत भी है, लेकिन बाहर जा नहीं सकते। चलो बाकी मिलते हैं रामसर पहुँच के, अभी पहुँच चुके हैं रामसर, ऑन टाइम चल रही है ट्रेन अपनी, और मात्र एक या दो मिनट का स्टॉप है यहाँ पे भी, और रेत काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म एक्चुअल में नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ जो प्लेटफॉर्म है ना, जैसे ही मैं थोड़ा सा स्टेशन डेवलप था, बाकी उसके बाद सारे ऐसे ही नॉर्मल से ही हैं, क्योंकि ये सारा बॉर्डर एरिया है ना, तो भाई काफ़ी सेफ्टी मेजरमेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इधर है भाई थोड़ा सा प्लेटफॉर्म, यहाँ पे एक मंदिर है, वाली माता का मंदिर है, तो अगर जो जो यहाँ से रामसर से वीडियो देख रहा है तो कमेंट करना जरूर भाई कि कौन कौन रामसर से, और क्या क्या यहाँ की जो फेमस चीज़ है वो बता। BFSF का कैंप है, कैंप है पहाड़ियों के ऊपर, बाकी चलो यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर होता था दिखाते हैं भाई, मुझे किस रूट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो मैं फर्स्ट टाइम ही आया भाई। ये जो स्टेशन है ना नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंडर आता है, डिवीज़न अपनी जोधपुर चल रही है भाई, डिपार्चर के लिए तैयार हो गई है ट्रेन, अपने सिग्नल हो गए यहाँ से भाई, रामसर से डिपार्चर हो गया भाई। ये जो एरिया है ना गडरा रोड का, गडरा रोड वो गडरा सिटी है, जो कि पाकिस्तान में
जो पहाड़ दिख रहे हैं ना उसके बाद पाकिस्तान है, बॉर्डर लगता है। बाकी पूरी ट्रेन में अपना रेत ही रेत हो गई हुई है भाई। पहुंच चुकी है मेरी ट्रेन गडरा रोड की तरफ, और गडरा रोड का आधा जो एरिया है ना वो पाकिस्तान में रहता है, जो गडरा सिटी है ना वो पाकिस्तान में चली गई है, और ये आगे गडरा रोड। भाई मेरी ट्रेन निकली है गडरा रोड से। भाई बहुत प्रॉब्लम एरिया, स्ट्रिक्टनेस वाला है यहाँ पे, मना कर दो। देखो कितनी रेत हो गई है सीट पे, सारी सीटों पर रहती थी। जो ट्रैक था ना वो था अपना थार एक्सप्रेस के लिए, जहाँ से उनकी इमिग्रेशन वगैरह होकर उनको लोग बाहर भेजा जाता था। पहुँच चुके मुनाबाव, यहाँ पे कैमरा बिल्कुल लाउड नहीं, वीडियोग्राफी यार बहुत पंगा पड़ रहा है। ट्रेन पूरी खाली है, यहाँ कोई नहीं आता। भाई काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, इधर पूरी वीडियो अलाउड नहीं है। कोच में बहुत डस्ट है, रेत ही रेत हुई पड़ी है। सो दोस्तों यहीं तक थी अपनी आज की यात्रा मुनाबाव तक। यहाँ पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होने की वजह से मैं ना पूरी वीडियो अच्छे से नहीं बना पा रहा। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल करें सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद। भाई यही था मुनाबाव का, रेलवे स्टेशन वापस चल पड़े बाड़मेर की ओर।